हेलो एंड वेलकम माय यूट्यूब फैमिली। और आज मैं आप सबके लिए फर्स्ट टाइम लेके आई हूँ मिंत्रा ऑनलाइन शॉपिंग ऐप का एक हॉल वीडियो फ्रॉम द ब्रांड द आयुर्वेदिक कंपनी। और ये ब्रांड बहुत ज़्यादा अमेजिंग है। ऑलमोस्ट मैंने बहुत सारे प्रोडक्ट्स इस ब्रांड के ऑर्डर किए, विच कवर्स, हेयर केयर, स्किन केयर। सो मैंने सोचा कि मैं एक रिव्यू वीडियो बना लेती हूँ, पूरा प्रॉपर हॉल वीडियो, और आपके साथ शेयर करती हूँ अपना हॉनेस्ट रिव्यू। बिकॉज यू ऑल नो मैं हमेशा किसी भी अगर प्रोडक्ट का रिव्यू देती हूँ तो पहले उसको मैं यूज़ करती हूँ, और अगर मुझे समझ में आता है या नहीं भी आता है तब मैं आपको जो भी हॉनेस्ट रिव्यू होता है वो मैं आप सबसे शेयर करती हूँ। सो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे कहना चाहूँगी कि अगर चैनल पे न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं। वीडियो को लाइक शेयर कीजिएगा और सारे प्रोडक्ट्स को बाय करने का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूंगी। और अगर आप इकोनॉमिकल रेंज में जाना चाहते हैं सो ये ब्रांड हर चीज़ें कवर करता है, हेयर केयर भी, स्किन केयर भी, नाइट केयर, स्किन केयर रूटीन, डे स्किन केयर रूटीन। तो आप इसको एडवाइजेबल है कि आप इसकी ब्रांड को चूज़ कर सकते हैं, प्रोडक्ट्स को यूज़ कर सकते हैं। और ये बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव होने वाला है वीडियो, बिकॉज मैं आपको उसकी क्वांटिटी, MRP, शेल्फ लाइफ और किस स्किन टोन या किस स्किन टाइप पे या कैसे हेयर टाइप पे यूज़ होने वाला है वो भी मैं सब आपको बताने वाली हूँ। सो विदाउट मच डिले लेट्स क्विकली गेट इनटू द वीडियो। सो द नंबर वन प्रोडक्ट विच आई हैव ऑर्डर्ड इज दिस मेथी शैम्पू विथ आंवला। और इंशाल्लाह मैं बहुत जल्दी एक DIY हेयर मास्क करने वाली हूँ मेथी से रिलेटेड, तो वो भी मैं अपने चैनल पे पोस्ट करूँगी। टिल देन स्टे ट्यून टू माई चैनल। सो अब मैं आपको बता देती हूँ कि ये सल्फेट और पैराबिन फ्री है, इसमें बायो एक्टिव्स हैं और इसमें कोई भी एनिमल का कोई भी सब्सटेंस इसमें नहीं लिया गया है। और ये बेसिकली उन लोगों के लिए जिनका हेयर फॉल हो रहा है और जिन्हें को डैंड्रफ है। ओके, इसकी क्वांटिटी 250 ml की है। ओके, और इसकी जो MRP है वो 399 rupees है। शेल्फ लाइफ इसकी 3 साल की है और इसे टू से थ्री टाइम्स आपको यूज़ करना है इन अ वीक। ये डिपेंड करता है कि आपका कैसे बालों का टेक्सचर है। और अगर आप इसे यूज़ करेंगे रेगुलरली सो इट सेज कि ये आपके बालों को स्मूथ बनाता है, सॉफ्ट बनाता है, ये डैंड्रफ को नेचुरली रिड्यूस करेगा ऑब्वियसली क्योंकि इसमें मेथी और आंवला है। ओके, और ये रीस्टोर करता है शाइन और हेयर फॉल कंट्रोल के लिए, तो ये ऑलरेडी है ही। सो ये शैम्पू काफ़ी अच्छा है, इसे यूज़ कर सकते हैं। सो द नेक्स्ट प्रोडक्ट विच आई ऑर्डर्ड इज़ दिस रोज़ एंड एलो का रोल ऑन डिओड्रेंट। जो लोग मुझे पहले से सब्सक्राइब किए हुए हैं वो बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं आई एम अ बिग लवर ऑफ फ्रेगनेंस, सो मुझे ये चाहिए था। एंड इट सेज़ दैट इट हैज़ 24 आवर्स फ्रेशनेस और ये लाइटन और स्मूदन करता है आपकी स्किन को, जेंटल है स्किन पे, क्विकली एब्जॉर्व करता है, इसमें बिल्कुल भी अल्कोहल नहीं है। तो जो लोगों को फ्रेगनेंसेस पसंद है और नमाज ऑफर करते हैं बिकॉज ये हलाल है तो आप उसे यूज़ कर सकते हैं। 225 इसकी MRP है, 3 ईयर्स की इसकी शेल्फ लाइफ है और 50 ml इसकी क्वांटिटी है। मैं थोड़ा सा रोल ऑन अपने हैंड पे लगा रही हूँ और ये बहुत ही लाइट रोज़ की फ्रेगनेंस है, जिन्हें बहुत ही लाइट स्मेल चाहिए होती, बहुत ही स्मूदिंग, तो वो डेफिनेटली इस प्रोडक्ट को परचेज कर सकते हैं। नेक्स्ट मैंने इसका ऑर्डर किया था वाइटनिंग अंडर आर्म सिरम जिसमें लेमन है, और ये अगर आप रेगुलरली इसको यूज़ करेंगे तो 15 डेज में आपको इसका इफेक्ट अच्छी तरीके से पता चल जाएगा। सेम इसकी प्राइस भी 225 rupees है, शेल्फ लाइफ इसकी भी 4 साल की है और 4.50 ml इसकी क्वांटिटी है। ओके, इट इज़ ऑल्सो जेंटल ऑन स्किन, स्टे लास्ट लॉन्ग और ये क्विकली एब्जॉर्ब हो जाता है। सो आप अगर इसको रोल ऑन नहाने के बाद आप इसको यूज़ करेंगे, उसके बाद अगर आप चेंज करते हैं कोई भी लाइट फैब्रिक का भी कपड़ा पहनते हैं तो ये क्विकली एब्जॉर्ब हो जाएगा, उस पर कोई भी स्कार मास्क वगैरह कुछ भी नहीं आएगा। और इसको मैं रब कर रही हूँ, सो इसमें कुछ ऐसी खास स्मेल नहीं है, ये नॉर्मल है, नॉर्मल स्मेल है, बहुत ज़्यादा ओडरलेस भी नहीं है बट बहुत ज़्यादा इसमें स्मेल भी नहीं है। एंड दिस प्रोडक्ट इज़ माई फेवरेट,
एंड दिस इज अगेन अ रोल ऑन डिओड्रेंट विद द फ्लेवर ऑफ ऊद. जिन्हें ऊद पसंद है उनके लिए तो ये बहुत अच्छा है. एंड ऑब्वियसली इसमें अल्कोहल नहीं है तो ये हलाल है, आप इसे यूज़ कर सकते हैं. जेंटल ऑन स्किन, क्विकली एब्जॉर्ब होगा, 24 आवर्स की फ्रेशनेस है. और ये इसकी जो शेल्फ लाइफ है वो भी 3 साल की है. 225 इसकी MRP, 50 ml इसकी क्वांटिटी है. और इसकी स्मेल लाइट ऊद वाली है, बहुत डिवाइन है गाइस, ये बहुत अच्छा है. सो ये हाईली रिकमेंडेबल है, सो आप इसे यूज़ कर सकते हैं. नेक्स्ट मैंने ये ऑर्डर किया है 15% विटामिन सी का फेस सीरम विद ग्रेप फ्रूट. बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है विटामिन सी, सो मैंने इसको ऑर्डर किया है. एंड दिस इज सिलिकॉन फ्री, टॉक्सिन फ्री, ऑल स्किन टाइप से. ये टोन करता है और ब्राइटन अप करता है आपकी स्किन को. 30 ml इसकी क्वांटिटी है. अब अगर इसकी हम प्राइसिंग की बात कर लें तो 549 rupees है. इसकी शेल्फ लाइफ अराउंड 2 साल की है. और अब मैं आपको इसका दिखा देती हूँ कि एक्चुअल में कैसा दिखता है. ये तो कुछ इस तरीके का सीरम है, ओके. और विटामिन सी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है हमारी डेली डाइट में भी और हमारी स्किन केयर रूटीन में भी, सो मैंने इसको ऑर्डर किया है. अनदर मैंने एक सीरम और ऑर्डर किया है, एंड दिस इज़ नॉट एक्चुअली अ सीरम, दिस इज़ अ फेस ऑयल. और ये 100% आयुर्वेदिक है, कोई भी आर्टिफिशियल कलर नहीं है. एंड USGA ऑर्गेनिक सर्टिफाइड है. ये रेडियंट और यूथफुल है. 20 ml इसकी क्वांटिटी है, ओके. और यहाँ पे ये सारे मेंशन है कि ये किस किस से सर्टिफाइड है. 100% वेगन है, WHO GMP सर्टिफाइड है, ISO सर्टिफाइड है, क्रुएलिटी फ्री है, केमिकल फ्री है. सो ये बहुत नेचुरल है और ये भी बहुत ही हाईली रिकमेंडेबल है. इसकी शेल्फ लाइफ भी 3 ईयर्स की, 699 इसकी MRP है. और ये इसकी बहुत ही अच्छी सी पैकिंग लगती है, लगता है कि गिफ्ट आपको रिसीव हुआ है. और ये कुछ इस तरीके का फेस ऑयल है. सो द मेन मोटिव बिहाइंड ऑर्डरिंग ऑल दिस फेस सीरम एंड फेस ऑयल, बिकॉज मोस्ट ऑफ द टाइम बहुत ही हैटिक शेड्यूल होता है और इतनी ज़्यादा पोल्यूशन से हम लोग डेली एक्सपोज होते हैं तो अपनी स्किन का अच्छे से ख्याल नहीं रख पाते हैं. आई पर्सनली थिंक कि मैं नाइट स्किन के रूटीन में बहुत ज़्यादा लेजी हो जाती हूँ क्योंकि मेरे सोने का कोई टाइम फिक्स नहीं होता है. सो मैं अगर एक दो प्रोडक्ट्स को अच्छी तरीके से अपने फेस को क्लीन करके अप्लाई कर लूँगी, सो आई थिंक कि मेरी स्किन अच्छी रहेगी. दैट्स व्हाई आई हैव ऑर्डर्ड दिस. एंड इसमें आपको 2-3 ड्रॉप्स ही लगाने हैं क्लेंस्ड फेस और नेक पे. नेक को आपको फॉरगेट नहीं करना है अपनी स्किन केयर रूटीन में, इसको भी कवर अप करना है. मसाज करना है अपवर्ड और सर्कुलर मोशन में जब तक ये अच्छी तरीके से एब्जॉर्ब नहीं हो जाए तब तक आपको करना है. नॉर्मल टू ड्राई स्किन के लिए है, इसको हमें बेड टाइम पे ही यूज़ करना है, रात भर इसे छोड़ देना है. बट जिनकी ऑयली स्किन है वो इसे वॉश कर सकते हैं 3 आवर्स के बाद. तो आपको अगर सोना है तो 3 घंटे पहले आप इसको लगा लीजिए और सोने से पहले आप इसको वॉश कर सकते हैं. बिकॉज अगर आपकी ऑयली स्किन है सो ये फेस ऑयल है ये तो ये और ज़्यादा ऑयल पेनिट्रेट करेगा आपकी स्किन पे. दैट्स व्हाई रेगुलर यूज़ करने पे ये आपको विजिबल रेडियंट और टोन्ड स्किन देता है. डार्क स्पॉट्स और पिगमेंटेशन को रिमूव करेगा. डीपली नरिश और मॉइस्चराइज करता है आपकी स्किन को. सो ये मॉइस्चराइज भी करता है. नेक्स्ट प्रोडक्ट जो मैंने ऑर्डर किया है ये इनका फेस वॉश है. सैफरन और 24-कैरेट गोल्ड डस्ट इसमें है. एंड यस बहुत अच्छा ये फेस वॉश है. टॉक्सिन फ्री है, सल्फेट और पैराबिन फ्री, ऑल स्किन टाइप से, रेडियंट और यूथफुल स्किन के लिए है, ओके. 100 ml इसकी क्वांटिटी है और इसकी प्राइसिंग 299 है. तो ये बहुत ही आई थिंक कि बजट फ्रेंडली है. 3 ईयर्स की इसकी शेल्फ लाइफ है. ट्वाइस हमें यूज़ करना है इसे और रेगुलर यूज़ पे ये गोल्डन ग्लो देता है, हेल्दी और स्मूथ स्किन, टोन्ड और यूथफुल टेक्सचर. और इसके बारे में थोड़ा सा नॉर्मली बताया गया कि कैसे इसको यूज़ करना है. हमें अपने फेस और नेक को वेट करना है, फेस वॉश को अपने हाथों में लेके अच्छे तरीके से मसाज करना है सर्कुलर मोशन में, जिससे हमारी इम्प्योरिटीज़ जो है सर्कुलर मोशन में अगर हम इसको मसाज करेंगे तो वो ऊपर आ जाएंगी. उसके बाद हम इसे वॉश कर सकते हैं. और हम इसी का बोला गया है टाक का ही फेस टोनर हाइड्रेशन और ग्लो के लिए यूज़ कर सकते हैं. आप देख सकते हैं ये इसकी पैकेजिंग है और ये बहुत अच्छा है, बहुत ही रिकमेंडेबल है. अगेन मैंने एक विटामिन सी का इनका फेस वॉश ऑर्डर किया है. फोमिंग फेस वॉश है ये और ये मुझे पर्सनली बहुत ज़्यादा अच्छा लगा. ये भी सल्फेट, पैराबिन फ्री, टॉक्सिक फ्री, ऑल स्किन टाइप्स, ब्राइटन और टोन अप करता है आपकी स्किन को. 150 ml इसकी क्वांटिटी है और अभी मैं आपको बताऊंगी कि मुझे ये ज़्यादा क्यों पसंद है.
पहले मैं आपकी इसको प्राइसिंग बता देती हूँ, 399 रुपीज़ का है और इसकी शेल्फ लाइफ 3 ईयर्स की है। डेली इसको यूज़ करना है ट्वाइस। क्लीन करता है जो भी क्लॉग्ड पोर्स होते हैं उनको, हमारी स्किन को ग्लोइंग फ्लैश क्लियर स्किन बनाता है, पिगमेंटेशन और स्पॉट्स में इनको रिमूव करता है। और जो सबसे अच्छी बात मुझे इसकी लगी वो ये है कि ये आता है इस तरीके का, ये फोमिंग फेस वॉश विटामिन सी की गुडनेस के साथ है। ये आप कैप निकाल देंगे सो ये आपका ब्रश जो है ये आपको आराम से इसको पंप करना है, इसमें से फेस वॉश निकलेगा, उसको आपको सर्कुलर मोशन में पूरे फेस पे नेक को कवर करते हुए करना है। उसके बाद आप ये जो ब्रश है इसका डिटैचेबल, इसको आप निकाल देंगे, इसको क्लीन करके वापस से लगा के इसमें टक कर लेंगे तो कोई भी बैक्टीरिया भी इसमें जो है बिल्डअप नहीं हो पाएगा। और ये बहुत ही अच्छा है, गुडनेस ऑफ विटामिन सी है, तो मैं इस फेस वॉश को यूज़ करके वो विटामिन सी वाला सीरम ही लगा लेती हूँ अपनी स्किन को रेडिएंट ग्लोइंग और हेल्दी रखने के लिए। नेक्स्ट जो मैंने प्रोडक्ट ऑर्डर किया है इनकी, ये सनस्क्रीम है, मॉइस्चराइजिंग SPF 50 है इसमें, ओके। ये क्विक एब्जॉर्बिंग है, ऑल स्किन टाइप्स है, 50 ग्राम्स इसकी क्वान्टिटी है, 399 इसकी MRP है, 3 ईयर्स की इसकी शेल्फ लाइफ है और ये बहुत अच्छी है। सो ये कुछ इस तरीके से आती है, आप देख सकते हैं। एंड द मोटिव बिहाइंड ऑर्डरिंग सनस्क्रीन इज दिस कि मेरे पास तो ऑलरेडी है बट स्किन केयर में सनस्क्रीन मस्ट है, नंबर वन। नंबर टू, आई एम अ मेकअप आर्टिस्ट, सो अब सीज़न आ रहा है सो मैं हमेशा ऐसी सनस्क्रीन यूज़ करती परचेज़ करती हूँ जो ऑल स्किन टाइप्स पे जाए, बिकॉज कभी कभी आइडेंटिफाई करने में भी मिस्टेक हो सकती है या हमारे मेकअप बहुत जल्दी जल्दी होते हैं, हमें इतना टाइम नहीं मिलता है कि हम स्किन को पहचाने या क्लाइंट से पूछे। वैसे तो हम लोग एक्सपीरियंस भी समझ में आ जाता है, उसी हिसाब से प्रोडक्ट्स लगाते हैं, बट सनस्क्रीन का थोड़ा सा रहता है कि हम ऑल स्किन टाइप्स ही ले लें तो बेटर है। और मैं बिल्कुल भी इसको स्किप नहीं करती हूँ मेकअप में भी, सो और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है सनस्क्रीन, तो डेली बेस पे लगनी है, सो फेस नेक को कवर करती है। सो आई थिंक कि सनस्क्रीन में इन्वेस्ट करना इट्स नॉट अ बैड डील एंड इसकी प्राइसिंग भी सही है। और ये नरिश करता है, मॉइस्चराइज करता है, क्विकली एब्जॉर्ब करेगा, प्रोटेक्ट करता है UVA एंड UVB रेसेस से, 100% प्योर इसमें एक्सट्रैक्ट्स हैं और ये बिल्कुल भी इरिटेटिंग नहीं है। सो दिस प्रोडक्ट इज़ ऑल्सो हाईली रिकमेंडेबल। एंड अदर सनस्क्रीन आई हैव ऑर्डर्ड इज दिस, इसमें थोड़ी सी करी लीव्स जो यहाँ पे बनी हुई है उसी की स्मेल आती है, बहुत स्मूदिंग है। एंड इसका कुछ थोड़ा क्रीमी टेक्सचर है वो मैं आपको शो कर देती हूँ, अपने हैंड पर शो कर देती हूँ, उसके बाद मैं इसका दिखाऊंगी आपको। सो मैंने इतना पंप लिया हुआ है, बहुत ही ईजिली ब्लेंड हो जाती है, सी रेडियंट ग्लोइंग स्किन और स्मेल भी बहुत ही डिवाइन सी, लाइट स्मूदिंग है, बहुत अच्छी है। द नेक्स्ट आप इस सनस्क्रीन की बात कर लेते हैं, ये नॉन ग्रीसी है, वेटलेस फील होगा इसमें, ओके बिल्कुल नहीं लगता है कि आपने इसको वेयर किया हुआ है। ऑल स्किन टाइप्स ये भी है, ऑयल फ्री प्रोटेक्शन है, तो जिनकी थोड़ी सी भी ऑयली स्किन हो जाती है, मेरी इस टाइम इस मौसम में हो रही है टी जोन पे, तो मेरे लिए ये रिकमेंडेबल है। 499 या 100 रुपीज़ इससे कॉस्टली है, 3 ईयर्स की इसकी शेल्फ लाइफ है एंड ये स्मूथ साटन फिनिश देती है, कोई भी वाइट कास्ट आपकी स्किन पे नहीं रहेगा, 100% नेचुरल जिंक ऑक्साइड है, सॉरी, एंड वाटर रेसिस्टेंट भी है ये, तो ये बहुत सही है वाटर प्रूफ मेकअप के लिए, तो ये बहुत अच्छी जाएगी। और इसका टेक्सचर थोड़ा सा जेल बेस है, वो मैं आपको यहाँ पे दिखा देती हूँ, आप देख सकते हैं मैंने ये लिया हुआ है और ये ईजिली ब्लेंड हो जाता है, बहुत ही स्मूदिंग सी वो करी लीव्स वाली हल्की सी भीनी भीनी सी जिसको कहते हैं स्मेल आ रही है, सो वो बहुत ही अच्छा है। नेक्स्ट जैसा कि मैंने आपको बताया था कि नाइट स्किन केयर बहुत स्किप हो जाता है, तो मैंने ये ऑर्डर की है इनकी नाइट क्रीम जो मॉइस्चराइजिंग है और ऑल स्किन टाइप से ग्लो और ब्राइटनिंग, 50 ग्राम क्वान्टिटी है, 599 इसकी प्राइसिंग है, शेल्फ लाइफ की बात कर ले 3 साल की है। ये डीपली हाइड्रेट और ब्राइटन अप करेगी, जो भी आपके टैन और पिगमेंटेशन हो गए हैं वो से रिमूव करेगी, स्मूथ और इवन टेक्सचर ग्लो आपको देती है और आपको क्लेंस्ड फेस पे नॉर्मल क्वांटिटी में लेना है, फेस और नेक पे आप इसको यूज़ करना है सर्कुलर मोशन में, ओके। और बेस्ट रिजल्ट्स के लिए आपको इसको रात भर छोड़ देना चाहिए, तो ये कुछ इस तरीके की आती है, हल्का सा पंप इस हैंड पे लेके निकल नहीं रही है, आई डोंट नो व्हाई, इसको यूज़ कर लिया है बट आई डोंट नो व्हाट हैपेंड,
बट मैंने इसको काफ़ी यूज़ कर लिया है, या थोड़ी सी निकली यहाँ पे। सो ये जेल बेस्ड है, इसकी स्मेल भी बहुत अच्छी है, मैं इसको यूज़ कर रही हूँ। और बहुत ही ये ट्रैवल फ्रेंडली है, बहुत ही हैंडी है, स्मॉल सी है तो ये बहुत आराम से यूज़ हो सकती है, आप कहीं भी इसको लेके जा सकते हैं। अनदर मैंने इनका नाइट जेल भी ऑर्डर किया है, ये हाइड्रेटिंग है, रिपेयरिंग है, ऑल स्किन टाइप्स ये भी है, रेडियंस यूथफुल है, 50 ग्राम्स इसकी क्वांटिटी है, 599 प्राइसिंग, 3 इयर्स की इसकी शेल्फ लाइफ है, और ये इम्प्रूव करता है आपका कॉम्प्लेक्शन, ओके, हेल्दी ग्लो के लिए है, स्मूथ और सपल स्किन के लिए है। सेम आपको यूज़ करना है बट फॉलो करना है सनस्क्रीन के साथ अगर आपको लगता है तो। दिस इज़ नाइट जेल, आप चाहें तो सनस्क्रीन भी इसके बाद लगा सकते हैं इनकी, और अब मैं कोशिश करती हूँ, ये भी नाइट जेल है तो जेल के ही फॉर्म में है और इजीली ये ब्लेंड हो गया है। स्मेल भी इसकी नॉर्मल है, बहुत ज़्यादा फ्रेग्रेंट नहीं है, नॉर्मल है। अब आ जाते हैं थोड़ा बॉडी केयर की तरफ, बहुत सारा स्किन केयर हो गया। सो मैंने इनका ये बॉडी स्क्रब ऑर्डर किया और मैं इससे बहुत ज़्यादा खुश हूँ। ये 100% आयुर्वेदिक है, हैंड क्राफ्टेड है, सर्टिफाइड है, ग्लो और ब्राइटनिंग, 75 ग्राम इसकी क्वांटिटी है, 499 प्राइसिंग है, 3 इयर्स की शेल्फ लाइफ है, और ये कुछ इस तरीके के बॉक्स में आता है, सबसे अच्छी बात है। और इसको मैं यूज़ करने का तरीका आपको बता देती हूँ, ये जो वुड बनी हुई है इसी का है, इसकी स्मेल भी बहुत अच्छी है। आपको 2 स्पून इसमें से नॉर्मल लेना है, वाटर में मिक्स कर लेना है, उसके बाद आपको जब उसका पेस्ट टाइप का बन जाएगा तो आपको अपनी वेट करनी है अपनी बॉडी, और उसको अपनी बॉडी में लगा के अच्छी तरीके से मसाज कर लेना है, उसके बाद वॉश करके आप अपनी बॉडी को मॉइस्चराइज कर सकते हैं। इसका इफेक्ट बहुत ज़्यादा अच्छा है, मैंने इसको थोड़ा सा यूज़ किया और मुझे बहुत अच्छा लगा वंस आई यूज। सो अब मैं आपको बता दूँ कि ये रिड्यूस करेगा टैन और आपको एक स्मूथ ड्यूई ग्लो देगा, और ये टोन करता है, फर्म करता है स्किन को, और ये लाइटन अप करता है पिगमेंटेशन, ब्लेमिशेस और स्पॉट्स को, एंड यस इट डस। सो ये भी बहुत ज़्यादा हाईली रिकमेंडेबल है। नेक्स्ट, एज विंटर्स आर अप्रोचिंग तो मैंने इनका एक ये टाक का बीट रूट का लिप बटर ऑर्डर किया है विद SPF 20। अब मुझे ऐसा लगता है कि अपनी परचेजिंग को थोड़ी और ज़्यादा इनोवेटिव कर लेना चाहिए। सो मैंने SPF 20 लिया है इसमें और बीट रूट फ्लेवर लिया है, तो ये काफ़ी मेरे लिप्स के लिए अच्छा रहेगा। ये ड्राई और पिगमेंटेड लिप्स के लिए है, मुझे भी ऐसा लग रहा है कि थोड़े थोड़े पिगमेंटेशन मेरे लिप्स पे हो रहे हैं, सो आई हैव ऑर्डर्ड दिस फॉर माई सेल्फ, एंड 5 ग्राम इज द क्वान्टिटी। एंड मैं आपको इसका दिखा देती हूँ, ये बॉक्स में है बीट रूट का, स्मेल भी वैसे ही है, कलरलेस है तो कोई कलर नहीं शो होगा बिकॉज इट्स अ लिप बटर, बटर है और इसी वजह से ये बहुत ही क्रीमी है, मेरी फिंगर्स को ये बहुत ही स्मूदिंग सा इफेक्ट लगा जब मैंने इसको रोल ऑन किया। एंड दिस इज़ 100% वेगन, क्वालिटी फ्री है, कोई भी हार्मफुल केमिकल नहीं है, सर्टिफाइड है, ये सारे इंग्रेडिएंट्स मेंशन है, सारे नेचुरल इंग्रेडिएंट्स हैं इसके, और 299 इसकी क्वांटिटी है, सॉरी प्राइसिंग है, और 3 इयर्स की इसकी शेल्फ लाइफ है। नेक्स्ट, मैं बहुत जल्दी आपको बताने वाली हूँ, एक वीडियो पोस्ट करने वाली हूँ जिसमें मैं ये बताने वाली हूँ आपको कि आपको अपनी परचेजिंग को कैसे वेस्ट नहीं होने देना है, ऐसा प्रोडक्ट यूज़ करना है जो काफ़ी यूज़ हो सके। सो मैंने ये इनका लिप एंड चीक टिंट ऑर्डर किया है विद रोज रिप ऑयल के साथ। सबसे पहली बात तो ये कि ये 2-in-1 नहीं 3-in-1 है, लिप्स, चीक और आईज पे, यहाँ पे शेडो के उस पर भी यूज़ हो सकता है। 5 ग्राम इज़ द क्वांटिटी, 3 इयर्स शेल्फ लाइफ है, 460 रुपीज़ का है, और ये बहुत ही अच्छा है, सॉरी ये इसका ओपन हो गया, स्मेल इसकी बहुत अच्छी है, और मैं इसका इफेक्ट आपको थोड़ा सा मैंने लिया है फिंगर पे, और मैं इसका कलर आपको शो कर रही हूँ, डार्क शेड में बहुत अच्छा है, और इंशाल्लाह मैं डेफिनेटली नेक्स्ट वीडियो में इसी को अपने फेस पे यूज़ करने वाली हूँ, और इसका एक मैं छोटा सा वीडियो भी ज़रूर बना दूंगी जिसमें मैं शो कर दूंगी कि आप कैसे इसको आईज पे भी यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट, आई हैव ऑर्डर्ड इनका पीच न्यूड लिप चिक एंड आई टिंट मॉइस्चराइजिंग मैट, 5 ग्राम अगेन क्वांटिटी है, 3 इयर्स की शेल्फ लाइफ है, 499 रुपीज़ का है, ये भी प्योर नेचुरल है और बहुत ही हैंडी है, बिकॉज अगर कहीं भी हम जाते हैं वेकेशंस पे तो हम इसे ले सकते हैं, तो हमारा आई मेकअप भी हो जाएगा, ब्लश का भी काम करेगा, और लिप प्रिंट तो है ही, तो आप देख सकते हैं दोनों का न्यूड का भी और इसका भी बहुत अच्छा शेड है। एंड द लास्ट प्रोडक्ट आई हैव ऑर्डर्ड इज दिस, ये मैं कभी कभी यूज़ करती हूँ, मुझे जब भी लगता है कि हाँ ऐसा है,
पोटैटो स्टार्च का विद रेटिनॉल एंड HA का अंडर आई जेल क्रीम है। ये एंटी एजिंग रिंकल्स और डार्क सर्कल्स के लिए है। 30 ग्राम इसकी क्वांटिटी है, 595 रुपीस का है, 3 इयर्स की शेल्फ लाइफ है। और पहले मैं आपको इसका पहले शो कर देती हूँ, टेक्सचर बहुत ही क्रीमी स्मूदी है, आप देख सकते हैं। ओके, जिनके भी डार्क सर्कल्स हैं, स्पॉट्स हैं, पिगमेंटेशंस हैं, वो इस अंडर आई जेल को यूज़ कर सकते हैं। अब मैं आपको बता दूं कि फाइन लाइंस के लिए भी यूज़ हो जाएगा, जिनकी यहाँ पे पफिनेस होती है उनके लिए भी है। नेक्स्ट, इसमें ये डीपली हाइड्रेट करेगा, नॉन ग्रीसी है, स्प्रेड हो जाता है जेंटली और ये पेनिट्रेट करता है क्विकली। 100% वेगन है और गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस सर्टिफाइड है, सल्फेट पैराबेन फ्री है, कोई भी एनिमल का कोई भी सब्सटेंस इसमें नहीं है। ISO सर्टिफाइड कंपनी है। सो आई थिंक दिस प्रोडक्ट इज ऑल्सो रियली गुड। कभी कभी स्लीपलेस नाइट्स हो जाती हैं, बहुत हेक्टिक शेड्यूल हो जाता है, अभी तो सीजन स्टार्ट होने वाला है सो टाइम नहीं मिलता है, वीडियोज़ भी बनाने हैं, इंस्टाग्राम पे भी एक्टिव रहना है, अपना काम भी देखना है, घर का भी, ये बहुत कुछ होता है, बहुत हेक्टिक लाइफ हो जाती है। सो स्किन केयर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि जो कुछ भी होता है वो हमारी सामने से स्किन पे ही इफेक्ट आता है और विजिबल भी होता है। सो आई थिंक माई परचेजिंग इज वर्थ, 100% वर्थ। आपको कैसा लगा, कोई भी डाउट हो आप मुझसे पूछ सकते हैं। प्रोडक्ट्स हाईली रिकमेंडेबल हैं, सारे प्रोडक्ट्स बहुत अच्छे हैं। सो टिल देन मैं आपको, और भी मैंने कुछ परचेजिंग की है उसकी भी मुझे हॉल वीडियो बनानी है, ये तो, और रिव्यू वीडियो बनाना है। सो टिल देन स्टे ट्यून्ड टू माय चैनल।